गाइस, हमने सीएसएस में सेलेक्टर्स की बात की थी और हमने कहा था कि सेलेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जिस पर स्टाइल अप्लाई होने वाला है। अब हम किन किन तरह के एलिमेंट्स पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट विद एन आईडी, एलिमेंट विद अ क्लास, हम लोग टारगेट कर सकते हैं एलिमेंट को बाय इट्स नेम। और हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट के अंदर अगर एक पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट हो तभी स्टाइलिंग अप्लाई हो। ये स्टाइलिंग को अप्लाई करने के रूल्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और सेलेक्टर्स आप लोगों को समझाऊंगा। मजा आ रहा है इस कोर्स में तो नीचे कमेंट में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना यार, हमें थ्रू आउट द कोर्सेस हाई एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। आप लोग को हैट्स अप देना चाहता हूं, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीएसएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसलिए एक्साइटमेंट को अपने बढ़ा लो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहला काम मैं जो करने वाला हूं वो है वीडियो 17 का फोल्डर बनाना। और वीडियो 17 सीएसएस का मैं कहूंगा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है, क्योंकि आपने अगर सेलेक्टर समझ लिया ना किस तरह से काम करते हैं तो आपका काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वीडियो 17 नाम से ये बनाऊंगा, index.html यहाँ पर बनाऊंगा और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इंटरनल सीएसएस का, स्टाइल शीट में नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को दिखे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा, वर्ड रैप ऑन करूँगा, स्क्रीन कास्ट मोड ऑन करूँगा ताकि जो भी बटन मैं दबाऊँ वो आप लोगों को पता चल जाए। और मैं यहाँ पर CSS सेलेक्टर्स लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पर एक div बनाऊँगा। और मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक div बनाया, आई एम अ div यहाँ पर लिख दिया। गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं करी है सिग्मा वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट जरूर कर लेना, और सोर्स कोड सारा अपडेट होता जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी टेंशन उस रिगार्ड में आप लोग को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा, इसको पहले प्रीव्यू करूँगा, ठीक है, और मैं इस डिव के बैकग्राउंड को रेड करना चाहता हूँ। अब आप कहोगे यार क्यों करना चाहते हो भाई इसके बैकग्राउंड को रेड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डिव कितनी स्पेस ले रहा है, इसीलिए मैं रेड करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो रेड मैं इसको क्योंकि करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली बैकग्राउंड इसका रेड दे दूंगा। तो मैं कहूँगा कि यार डिव को मैं सबसे पहले एक स्टाइल टैग लगाऊंगा, यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो डिव है उसके बैकग्राउंड को कर दो, बैकग्राउंड कलर को कर दो रेड, ठीक है। अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है, ठीक है, मैं आप लोगों को और भी प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पर किया ये था एलिमेंट सेलेक्टर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर और मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूंगा। सीएसएस में कमेंट्स कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर उसके बाद स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में जो भी हम लिखते हैं वो कमेंट्स होते हैं सीएसएस में। तो ये मैंने एक सीएसएस कमेंट डाला कि भाई ये एलिमेंट सेलेक्टर है, आप यहाँ पर देखोगे तो बैकग्राउंड इसका रेड हो गया, ठीक है। ये था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, एक बहुत ही बेसिक सेलेक्टर। अब एलिमेंट सेलेक्टर जो मैंने यहाँ पर बनाया इसके ड्रॉबैक्स क्या है, देखो ड्रॉबैक्स ये हैं कि द मोमेंट मैं एक दूसरा डिव यहाँ पर ऐड करता हूँ तो क्या होगा, ये डिव का बैकग्राउंड भी रेड हो जाएगा। एंड हो सकता है कि आप लोग चाहो ही ना कि इस डिव के बैकग्राउंड को भी रेड करना है, तो अगर आप चाहते ही नहीं हो कि इस डिव के बैकग्राउंड को भी रेड करना है तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली आप यहाँ पर किसी और तरह के सेलेक्टर को इस्तेमाल करोगे और आप किसी एक स्पेसिफिक सेलेक्टर को इस्तेमाल करना चाहोगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यार एक काम करो, जहाँ पर क्लास रेड हो सिर्फ उन्हीं डिव को रेड करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू रेड कर दिया। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू रेड कर दिया है, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा डॉट रेड और इसके बाद डॉट रेड करने के बाद अगर मैं बैकग्राउंड कलर को रेड करूँगा, और मान लो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो डिव है सारे वो रेड हो जाए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि सिर्फ ये वाला डिव रेड होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने किया क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल। तो ये है हमारा क्लास सेलेक्टर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास सेलेक्टर। इसके बाद जो अगला सेलेक्टर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है आईडी सेलेक्टर, और आप लोगों ने आईडी सेलेक्टर सुनते ही गेस कर लिया होगा। लेट अस से मैं चाहता हूँ कि जो हैशटैग रेड वाली आईडी है, या फिर एक काम करते हैं हैशटैग ग्रीन नाम से एक आईडी बनाते हैं, और मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन तो जहाँ पर भी मैं आईडी ग्रीन दूंगा वो ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा आई एम अनदर डिव, ये इसका कोई कलर नहीं है, बैकग्राउंड कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको आईडी ग्रीन दूंगा आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा एक मिनट, मैं यहाँ पर इसी को आईडी दे दूंगा ग्रीन, और आप देख सकते हो क्योंकि मैंने ग्रीन नाम की आईडी में बैकग्राउंड कलर को ग्रीन दिया हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये है हमारे आईडी सेलेक्टर, बड़ा सिंपल था ना। हाँ भाई, सिंपल ही है, हम चीज़ों को सिंपल ही कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको चाइल्ड सेलेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। और जो सोर्स कोड है ना,
यही नोट्स का काम करेगा आपके, ठीक है। तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या होते हैं, मैं अगर चाहता हूँ कि एक डिव के अंदर का पैराग्राफ जो है वो ब्लू हो जाए, तो मैं कहता हूँ डिव के अंदर का पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लू हो जाए और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर मान लो उसका ब्राउन हो जाए, ठीक है। मान लो मैं ये चाहता हूँ, तो अगर मैं किसी भी डिव के अंदर एक पैराग्राफ डालूंगा, आई एम अ पैरा इनसाइड डिव, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला सेलेक्टर लागू हो जाएगा, चाइल्ड सेलेक्टर, क्योंकि ये चाइल्ड है डिव का, ये पैराग्राफ चाइल्ड है डिव का, और मैंने कहा है कि डिव का कोई भी पैराग्राफ अगर चाइल्ड हुआ तो क्या होगा, तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्राउन और कलर हो जाएगा ब्लू, एज सिंपल एज दैट यार, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर मान लो मैं इस पूरे को एक डिव में रैप कर दूं, ध्यान से समझना इस बात को, एक्चुअली मैं इसको स्पैन करूंगा, डिव नहीं करूंगा, मैं इसको लेट अस से मेन करूं या कोई और एलिमेंट मैं यहां पर डाल दूंगा, लेट अस से मैं यहां पर आर्टिकल टैग का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। तो अब ये डिव के अंदर पैराग्राफ नहीं रहा, अब ये डिव के अंदर आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ रहा, तो ये लागू नहीं होगी प्रॉपर्टी, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, अब ये लागू नहीं हुई प्रॉपर्टी, क्योंकि इस सेलेक्टर का मतलब होता है कि भाई डिव के अंदर अगर डायरेक्टली हुआ, डायरेक्ट चाइल्ड हुआ, तब जाकर क्या होगा, ये सेलेक्टर अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। यहां पर ये डायरेक्ट चाइल्ड अब नहीं रहा, डिव के अंदर आर्टिकल है फिर उसके बाद पी है, ये डिव का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि यार, मैं चाहता हूं कि अगर पैराग्राफ किसी भी डिव का डिसेंडेंट हुआ तब ये प्रॉपर्टी लागू हो जाए, तब मैं क्या करूंगा, तब मेरे पास एक और तरीका है, मैं आपको दिखाता हूं क्या है। मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, मैं कहूंगा डिसेंडेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करूंगा, और डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर सिंपली कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, कि मैं डिव लिखूंगा, इसके बाद मैं एक स्पेस लिखूंगा, और उसके बाद पी लिखूंगा। मैं कह रहा हूँ डिव के अंदर पी होना चाहिए, चाहे वो किसके भी थ्रू हो, चाहे डिव के अंदर, आर्टिकल के अंदर, मेन के अंदर, फुटर के अंदर पी हो, वो डिव के अंदर होना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, तब ये अप्लाई हो जाए, यानी कि डिसेंडेंट होना चाहिए डिव का। तो आप देखो यहाँ पर कि ये अब दोबारा से लागू हो गई प्रॉपर्टी। लेकिन जब मैं चाइल्ड सेलेक्टर का बात करता हूँ, तो चाइल्ड सेलेक्टर डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, तब लागू होगा। आई होप कि ये सब चीज़ें सेंस बना रही है आप लोगों को। अब इसके बाद एक और होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। इसका मतलब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ सारे एलिमेंट्स को मैं मार्जिन देना चाहता हूँ जीरो, एंड पैडिंग देना चाहता हूँ मान लो मैं जीरो, ठीक है, मैं पी जीरो लिखूंगा, तो एमेट के थ्रू मैं कुछ इस तरह से पैडिंग जीरो लिख सकता हूँ। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स की मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो कर दो। देखो सब चुपक गए इधर, पहले थोड़ी बहुत मार्जिन और पैडिंग थी जो कि बाय डिफॉल्ट दे रहा था हमारा गूगल क्रोम, लेकिन अब ये मार्जिन और पैडिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा ही, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। अब देखो सेलेक्टर्स तो और भी कई तरह के होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट यूज सेलेक्टर्स, ठीक है। अब आप लोगों को मैं और भी सेलेक्टर्स के बारे में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, बट दीज आर द वंस जिससे हम अपना वेब डेवलपमेंट करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को और कंफ्यूज करूं, और आप लोग उसके चक्कर में ये जो मेन सेलेक्टर्स हैं वो भी ना सीख पाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप लोगों का ध्यान इसमें रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू 95% ऑफ द वेबसाइट्स बनती हैं, तो इन्हीं पर फोकस करते हैं अभी के लिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है, और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझ गए। एक सेलेक्टर और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो और बता देता हूँ आपको, और उसका नाम क्या है, स्यूडो सेलेक्टर्स। अब ये स्यूडो सेलेक्टर क्या है, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक लिंक है, ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर, लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। अरे ये क्या हो रहा है, अजी कमेंट क्यों नहीं लग रहा है, हाँ लग गया, ठीक है। अब यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा, लिखूंगा पीसीयूडो, हाँ पता है भाई सीयूडो कहते हैं, कमेंट में मत लिखने बैठ जाना अभी कि पीसीयूडो नहीं सीयूडो होता है, पिनिमोनिया नहीं निमोनिया होता है, भाई पता है पी साइलेंट है यहाँ पर, तो लगाया क्यों साइलेंट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये बात कि भाई जब साइलेंट था तो इसको ऐसे रहने देते ना, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, जिसके पास भी इस बात का ज्ञान हो। लेकिन अभी मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ बांटूंगा, और वो है सीयूडो सेलेक्टर्स, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक लिंक है, ठीक है, क्या है, मेरे पास एक लिंक है, LINK लिंक। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मान लो https://www.google.com, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा go to google, और बहुत सही बात है यार, गूगल पे चले जाओगे, आप कहोगे हाँ भाई इसमें क्या नया था, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर हो जाए लेट अस से वाइट, नहीं वाइट तो नहीं रखूंगा, येलो हो जाए मान लो, जैसे ही इसको मैं विजिट कर लूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ए विजिटेड जो हो उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर येलो हो जाए, तो मान लो मैं कलर को येलो करता हूँ, तो क्या इसका कलर येलो हो जाएगा, येस। तो एंकर टैग्स अगर मैं चाहता हूँ कि विजिट होने के बाद येलो कलर के दिखे, तो मैं स्यूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका कलर चेंज होता हुआ दिखा,
इसके बाद अगर आप एक कोलन लिंक करते हैं, ठीक है, यानी कि वो लिंक जो कि विजिट नहीं हुआ है, और मान लो आप चाहते हैं उसका कलर ग्रीन हो, तो कोई भी मैं लिंक डालूंगा उसका कलर क्या हो जाएगा, मान लो मैं इसको कुछ इस तरह से गो टू फेसबुक करता हूँ, ठीक है, और हाँ गूगल के जी को भी कैपिटल कर ही लेते हैं, तो क्या इसका कलर ग्रीन होगा? नहीं, इसका कलर ग्रीन नहीं होगा, शायद मैंने फेसबुक ऑलरेडी विजिट कर लिया है, सॉरी गूगल विजिट कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर भी फेसबुक लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको मैं फेसबुक लिखूंगा तब भी नहीं हुआ, फेसबुक टू करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ फेसबुक टू करूंगा तो ये देखो ये मैंने विजिट नहीं किया है, फेसबुक टू डॉट कॉम, फेसबुक डॉट कॉम मैंने एक्चुअली विजिट कर लिया है अगर आपको याद हो तो इनिशियल फ्यू लेक्चर्स में, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अब मैं आप लोगों को दो और सेलेक्टर्स के बारे में बताता हूँ लिंक्स रिलेटेड, एक तो है ए एक्टिव, ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ आप किसी भी तरह का स्यूडो सेलेक्टर टाइप करते हैं तो आपको सजेशन में एमिड दिखा देता है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि जो ए एक्टिव है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, तो जैसे मैं किसी लिंक पर क्लिक करूंगा आप देखो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, तो एक्टिव का मतलब होता है कि जब आप क्लिक कर रहे हो तब, ठीक है, तो यहाँ पर देखो google.com पे जा रहा है और जैसे मैं क्लिक करूंगा इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, ठीक है। हाँ मुझे पता है कि ये आइडियली आप यूज़ नहीं करना चाहोगे बैकग्राउंड कलर रेड, बट दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसे होता है। मेरे लिए सबसे आसान यही है कि मैं बैकग्राउंड कलर को रेड कर दूं, क्योंकि डायरेक्टली आप लोगों को ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एंकर टैग के अलावा भी क्या हमारे पास होते हैं कुछ स्यूडो सेलेक्टर्स? द आंसर इज येस, डेफिनेटली होते हैं। एक है होवर, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि डिव पर कोई भी, सॉरी एंकर टैग पर कोई भी होवर करे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए या फिर बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, इसके बैकग्राउंड कलर को येलो करता हूँ, तो अगर मैं होवर करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जा रहा है, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ए होवर लिखा और बैकग्राउंड कलर येलो लिखा, तो ये थे कुछ स्यूडो सेलेक्टर्स। अब आप लोग को एक और स्यूडो सेलेक्टर मैं बताऊँगा, और वो होगा कि अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक डिव है जिसकी क्लास मान लो सेलेक्टर है, और मैं आई एम सेलेक्टर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक काम करता हूँ इसका नाम वन रख देता हूँ, यार सेलेक्टर से आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, ओ एन ई वन। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को फर्स्ट चाइल्ड स्यूडो सेलेक्टर के बारे में बताता हूँ, जो कि शायद थोड़ा सा ट्रिकी आप लोगों को लगेगा, ठीक है, और ये जो भी मैं बता रहा हूँ कैटेगरी ये स्यूडो सेलेक्टर्स ही हैं। तो ये जो स्यूडो सेलेक्टर है फर्स्ट चाइल्ड वाला, वो यहाँ पर अगर मैंने लिखा पी फर्स्ट चाइल्ड का बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पी अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है वहाँ वहाँ उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक मेन टैग डाला हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पी आई एम फर्स्ट, फिर लिखा है पी आई एम सेकेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ मेन का फर्स्ट चाइल्ड पी है, जो कि यहाँ पर है, जो ये पी है वो अपने पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है, तो इसमें ये क्लास अप्लाई हो जाएगी। तो देखो आप कि यहाँ पर इसका बैकग्राउंड एक्वा हो गया, इसका नहीं हुआ, बट मैं आप लोगों को दोबारा बताऊँ कि इस तरह की चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल में आती हैं जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो आप लोग इस तरह की जो स्यूडो क्लासेस हैं उनके बारे में और रिसर्च करना। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करूंगा कि लिंक्स डाल दूंगा इस तरह की और चीज़ों के बारे में, तो जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल है अगर आप चाहते हैं और स्यूडो क्लासेस को देखना, तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, मे बी मैं पिंड कॉमेंट में भी डाल दूंगा, और अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ रिमाइंड कर देना कि यार आपने लिंक नहीं दिया है, तो मैं वो सारे लिंक्स आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस तरह के सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और मेन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स पर आना है और अच्छी अच्छी रियल वर्ल्ड ऐप्स बनानी है, और उसके बाद बैकएंड भी करना है, डेटाबेस भी करना है, तो भाई हम लोगों को अभी थोड़ी सी जो है पेस यहाँ पर बिल्ड करनी पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स में मजा आ रहा है। अगर आपने इसको बुकमार्क अभी तक नहीं किया है तो उसको कर लो अभी के अभी, बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर दो, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, गिटहब कोड को एक्सेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने गांव और ताऊ दोनों की जमीन नाम करते हुए मुझसे अगले वीडियो में मिले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।